तो जिस तरह से देखें यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है जिसमें अभी तक ताले लगे हुए हैं, मतलब कि इनकी चाबी भी सोसाइटी के लोगों को अभी तक हैंडओवर नहीं है। देखा जाए तो ये वॉशरूम बना रखा है पर इस वॉशरूम में भी ताला लगा हुआ है, मतलब कि लोगों को अभी ये भी अनुमति नहीं है कि वो लोग इस वाले वॉशरूम का यूज़ कर सकें। सोसाइटी की तरफ से बनाए गए थे कि गार्ड्स और ये लोग जो भी लोग आए कम्युनिटी सेंटर में अपना कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन हुआ या बैठने का मीटिंग करने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे सब में लॉक लग रखे हैं और इसमें इसको स्टोर बनाया गया है बिल्डर द्वारा। मतलब अभी तक यहाँ पे ताले लगे हुए हैं काफ़ी इलाकों में कम्युनिटी पूरे सेंटर में, और देखा जाए तो अभी तक चाबी भी हैंडओवर नहीं हुई है इसकी, और जो कि एक पब्लिक टॉयलेट है उनकी भी। बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, आसपास में पार्क है, पार्क में कोई सुविधा नहीं है, बच्चे खेलने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं सीवर की क्या हालत है, यहाँ पे एक चैम्बर है जो सीवर की जो भी है, यहाँ पे बच्चे का अगर पैर फंसे और गिर जाए तो देखने वाला कुछ नहीं है, कुछ भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं ना तो आंधी तूफान की तरह दौड़ते चलते हैं। आप नीचे देखिए क्या हालत होगी, बच्चों को क्या होगी, कौन देखेगा, क्या करेंगे इस चीज़ों को। और देखा जाए तो यहाँ भी बाउंड्री वॉल की जो हालत है वो काफ़ी खस्ता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दरारें हैं, मेरे ख्याल से दीवार टूटी भी पड़ी है और कब गिर जाए कब क्या समस्या आ जाए इसके कोई नहीं। और यहाँ पे बताया जा रहा है जिस तरह से कि छोटे बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं तो, और यहाँ पर सीवर के ढक्कन भी खुले हुए हैं तो जिस तरह की समस्याएँ हैं। बाउंड्री वॉल की समस्या देखें, जिस तरह से बाउंड्रीज में मतलब पेंट भी झड़ा हुआ है, और देखा जाए तो किस तरह की हालत हुई पड़ी है इस बाउंड्री वॉल की, जो कि अभी तक सोसाइटी पूरी बसी नहीं है। अभी काफ़ी लोग यहाँ पे आने वाले हैं, 70% तक ही लोग यहाँ पर बसे हैं, लेकिन बाउंड्री वॉल की समस्या देखें, यहाँ की पार्क की समस्या देखें, के साथ साथ ना घरों में भी आप जाएंगे ना तो ऐसे ही देखने को मिलेगा। घरों में जो सीलन की समस्या या जो भी दीवारें हैं ऐसी ही झड़ रही हैं, घरों की भी समस्या ऐसी ही है। ये तो बाउंड्री वॉल है, और एक कूड़ा देखिए, कूड़ा का जो अंबार लगा हुआ है, जो कहा जाता है स्वच्छता, मतलब भारत में प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छता को लेकर स्वच्छता अभियान के लोग लगातार जागरूक कर रहे हैं लोगों को, लेकिन हम क्या करें, ये इस कूड़ेदान को देखिए, जब ये कूड़ा भरा हो जाएगा तो हम कहाँ रखेंगे इस कूड़े को, हम मजबूरन इस कूड़े को बाहर डालने के लिए मजबूर हैं, तो हम इस कूड़े को क्या कर सकते हैं। ये दो बस मात्र दो ये डस्टबिन के डब्बे रखे हुए हैं, जितने ये सोसाइटी में हमारे हम लोग हैं, ये डस्टबिन एक दिन में पूरा भर जाता है। अगर अगले दिन ये ना आए कोई कूड़ा उठाने वाला तो बाहर फेंकने के लिए लोग मजबूर हैं। इस इतनी बदबू जो यहाँ पे आ रही है, हम कैसे रह सकते हैं यहाँ पे, क्या है स्वच्छता। ग्रेटर नोएडा जो दावे करता है प्राधिकरण, हमारी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो दावे करती है, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कूड़ा और ये सारी चीज़ें, वो दीवार देखिए वहाँ से बाहर से भी कोई भी चीज़ें, चोर से लेकर कोई भी अनचाहे बाहर के लोग, गार्ड हैं तो गार्ड मेन गेट के लिए हैं, राउंड एक राउंड लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे। तो जिस तरह से देख सकते हैं हम यहाँ पर कूड़े की समस्या और बाउंड्री वॉल की सबसे मेन समस्या कि सिक्योरिटी बैज होने की समस्या, जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर बाउंड्री वॉल भी टूटी हुई है, मतलब कि जिस तरह से चोरी का खतरा या किसी भी अन्य तरह का खतरा, किसी बच्चे के ऊपर भी कोई खेलता हो उसके बच्चे के ऊपर भी गिर जाएगी ये, किसी कोई बच्चा यदि यहाँ खेलने या बॉल वॉल लेने आता है ये कब गिर जाए कब कुछ पता नहीं, कौन बच्चा किसका कौन हादसा बन जाए इसका कुछ पता नहीं है। देखो पूरी की पूरा पैच ये गिरा पड़ा है, सर्दियों में मतलब जाड़ों में और बारिश के समय स्पीड से इसमें करंट आता है, पूरी बाउंड्री वॉल में करंट आता है यहाँ, मतलब करंट की भी समस्या है, समस्या आई स्पीड से इसमें करंट इसमें आता है, फिर पूरी बाउंड्री वॉल में करंट जाता है, किसी पेड़ से लाइट टच हुई है। और आप देखोगे जितने भी मकान है सारे मकानों की रिपेयरिंग कर रखी है, वो झड़ रहे हैं सारे मकान हमारे यहाँ के, आप अंदर जाके देखिए लेंटर भी अब ऊपर से गिरने लगे हैं, इतनी स्थिति खराब है हमारे यहाँ की कि शायद किसी भी सोसाइटी की इतनी स्थिति खराब होगी। और अंदर जाके देखोगे मकानों में हम कील गाड़ने लगे तो कील दूसरी मकान में निकल जाएगी, कील नहीं रुकेगी हमारे मकान में, आप कुछ भी गाड़ने लगोगे कुछ रुकेगा नहीं हमारे मकान में, हमको दोबारा प्लास्टर कराना पड़ रहा है, दोबारा सारी सुविधा हमने खुदे करनी पड़ रही है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ उनके पिलर हैं ठेकेदार के, यहाँ वो नहीं है, दीवारें नहीं है यहाँ पे, ना यहाँ पे प्लास्टर है, यहाँ सिर्फ नीरा रेत मिट्टी लगी हुई है सोसाइटी में, बहुत बुरी हालत है हमारे यहाँ की, कोई देखने वाला ही नहीं, प्राधिकरण सुनता ही नहीं है यहाँ पे हमारी, प्राधिकरण के पास जाते हैं हाँ हाँ करा देंगे, ठेकेदार ने तो हैंडओवर कर दिया है हमको, लेकिन कोई व्यवस्था तो देखे यहाँ की, पूरी सोसाइटी जज्जर हुई पड़ी है हमारी यहाँ की, हमारे यहाँ की आप जाके देखिए थेकली लगी हुई है, ये बोलते हैं थेकली लगा देते कपड़ा फट जाता है, थेकली लगा देते, हमारी सोसाइटी में थेकली लगी हुई है ऐसे,
यहाँ बहुत बुरी हालत कर रखी इन लोगों ने। वॉशरूम निकलते नहीं, वॉशरूम इस तरीके के बनाए हुए हैं कि यदि हाथ भी धोने के लिए थोड़ा सा पानी गिराए तो उसकी बूंद नीचे नहीं आती है। जब तक उस पर वाइपर नहीं मारेंगे, जब तक उसकी सफाई नहीं करेंगे तो अपने आप नहीं जाएगा। ठेकेदार से बोलते हैं कि अभी हैंडओवर नहीं आया, उसको रिपेयर करे कि नहीं नहीं मैं फ्लैट हैंडओवर कर चुका हूं, मेरा काम नहीं है। जबकि एक भी परसेंट कोई भी जो मूलभूत सुविधाएं, एक भी परसेंट हैंडओवर नहीं करी है अभी तक। हमारे यहाँ पे जो भी इतने वॉशरूम है, किसी भी कनेक्टिविटी सही नहीं है, सारा पानी नीचे लेंटर में जाता है। दूसरे के मकान सीलन आ गया, सारे मकान दूसरों के खराब हो चुके हैं। यहाँ पे इतनी समस्या है कि यहाँ पे पानी वॉशरूम में, दीवार पूरी दीवार जो है सब पूरे मकानों में सीलन, इतनी ज़बरदस्त सीलन है कि मकान झड़ने लगे हैं। कनेक्शन के लिए बार बार जाते हैं, वहाँ से लौटा देते हैं हमें। NGG उस क्या नाम है, ब्रॉडबैंड की समस्या के लिए जाते हैं, उसके लिए भी कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है हमारी, और हमें करने नहीं देते। और सारी आप खिड़कियाँ देखिए, यहाँ की लकड़ी का काम अब आप देखोगे पूरे उसमें इतनी समस्या है, लकड़ी की गिरने लगी है, टूटने लगी है। दीमक की समस्या बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, और घरों के मतलब बेकार हो चुके हैं। हमारी जो हमने पैसे खरीदा है मकान, वो हमारा व्यस्त है, बेकार है, मिट्टी में मिल चुका है हमारा पैसा, किसी काम का नहीं है हमारा पैसा। तो जिस तरह से देखें कि यहाँ पर समस्या है, लोगों का ये मानना है कि उनके पैसे पूरी तरह से बर्बाद हो गए यहाँ पर रहने के बावजूद, कि जिस तरह से बाउंड्री वॉल की सुविधाएं देखी कि दीवारों में यहाँ पर जो लोहे की ग्रिल्स लगी हुई हैं उनमें करंट की असुविधा हो रही है लोगों को, मतलब कि यहाँ पर दीवारें अभी से ही गिरना स्टार्ट हो गई हैं, जो कि बसे हुए काफ़ी टाइम भी नहीं हुआ। और कूड़े का ढेर तो आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर कूड़ा फैला हुआ है। जिस तरह से स्वच्छता का अभियान लेकर मोदी जी एक सपना देखते हैं, एक विज़न करते हैं कि हमारा भारत एक स्वच्छ भारत होकर निकलेगा, लेकिन उसी लेवल पे, एक स्थानीय लेवल पे देखा जाए तो कूड़े की ये समस्या है कि लोग ग्रस्त हैं इन सब समस्याओं से। मतलब इस सोसाइटी में पानी की समस्या, कूड़े की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, कोई भी ऐसी मूलभूत समस्या बची ही नहीं है जो जिससे ये लोग प्रभावित ना हो। अगर हम छतों पर देखें तो किस तरह से काई जमी पड़ी है, मतलब कि देखा जाए तो ये छत नहीं लग रही, ये लग रहा है कि कोई मैदान हो जहाँ पर पानी गिरने के बाद कीचड़ हो गई हो। जिस तरह से आप काई का हाल देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर पूरा पानी फैला हुआ है। और लोगों का ये जो दावा था कि टंकियों में पानी ओवरफ्लो हो जाता है, उसके कारण ये होता है और साफ दिखाई देता है। सारे पाइपलाइन सारे टूटे पड़े हैं, आप आके इधर देख सकते हैं, बिल्कुल इतनी घटिया क्वालिटी की पाइपलाइन के काम किया गया है, सब पाइपलाइन टूट रहे हैं अपने आप ही। इसके वजह से सोसाइटी में पूरा सीलन की समस्या रहती है। तो देखिए पाइपलाइन भी कितनी सस्ती क्वालिटी की यहाँ पर यूज़ की गई है, और इस हालात को देखकर साफ पता चलता है कि सीलन क्यों ना आए जब इस कदर पानी भर जाएगा। काई का हाल देख लीजिए आप, साफ दिख रहा है कि इतना पानी भरने के बाद यहाँ पर काई जम गई है, तो वही कारण बनती है सबसे पहले सीलन का। तो सबसे मेन चीज़ वाटर मेंटेनेंस नहीं हुआ है, वाटर फ्लो को कहाँ मेंटेन करना है, किस तरह उसकी ढलाई होगी, ये सब कुछ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। और जो बाद में रीजन बनता है काई का, कि काई आ जाती है, काई जम रहती है, पानी जमता है, और उसके बाद वहीं से घरों में सीलन आने लगती है। और एक घर की समस्या नहीं है, यहाँ पर जितने फ्लैट हैं सभी इससे ग्रस्त हैं कि किस कदर ओवरफ्लो के कारण पानी भरता है और वो सीलन का कारण बनता है। और सिर्फ छत के नीचे जो फ्लैट है उनमें नहीं, बल्कि नीचे के नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेकर अपर फ्लोर तक, बीच में, मिडल में, हर जगह सीलन की समस्या जरूर है। जिस तरह देखा जाए कि पेंट जड़ा हुआ है, कि सफेदी, तो कई जगह पर प्लास्टर भी झड़के निकल चुका है। तो जो समस्या है यहाँ पर इस पूरे इनक्लेव की, वो सबसे मेन चीज सीलन को और पानी को लेकर। और कूड़े का हाल आपने देखा है कि किस कदर कूड़े के द्वारा गंदगी फैली हुई है। यहाँ पर हम मौजूद हैं सोसाइटी के अंदर के एरिया में, जहाँ पर माता जी का कहना है कि बरसात में या फिर जब पानी भर जाता है तो यहाँ दो पाइप लगे हुए हैं, और दोनों पाइप से जो पानी आता है वो यहीं पर इकट्ठा होता है। अभी तो बताया कि इन्होंने यहाँ पर साफ किया, इस पानी को हटाया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी तरह पानी यहाँ पर जमा हुआ है। तो माता जी पूछेंगे किस तरह की समस्या है। हाँ, इसकी वजह से सीलन आ रही है पूरे घर में, और इतना पानी हो जाता है ये बैक घर के अंदर मारता है, क्योंकि जितना छत का पानी इधर ढाल, इधर भी इस ब्लॉक का है और इसका भी, इस ब्लॉक का भी है, तो इस साइड को पानी ज़्यादा आता है, जबकि इसका निकास उस बाहर की तरफ भी है। हम ये चाहते हैं कि इधर से पानी ब्लॉक करके, ये ऊपर से बंद करके, और इधर ही दोनों तरफ जो रोड की तरफ होल है उधर सप्लाई ज़्यादा जाए, ऐसा कर दें। तो इस वजह से मेरे घर में बहुत ज़्यादा सीलन, मतलब अभी इन पाइपों की वजह से पानी भर के आपके घर के अंदर तक भी आने की समस्या होती है। हाँ, बरसात में घर के अंदर वो मारता, मैंने यहाँ बंद किया हुआ है क्योंकि उससे पूरे घर में अंदर पानी जाता है। तो देखा जाए तो पानी की समस्या जो है वाटर फिलिंग की, वो इतनी बढ़ गई है कि वो घरों के अंदर भी यहाँ से पानी चला जाता है। यहाँ से होल बंद कर दिया है क्योंकि ये पानी बैक मारता है, फिर ये मैंने पत्थर लगा के बंद किया हुआ है, ये यहाँ पे, ये सब के यहाँ पे बड़े बड़े होल लगे हुए हैं।
तो देखा जाए तो लोगों ने जुगाड़ के अपनाकर उस पानी को रोकने की कोशिश करी गई है कि जिस तरह वाटर फिलिंग की। और यहाँ पे आप दीवारों की सीलन देख सकते हैं कि दीवार यहाँ पे सीली हुई हैं, पेंट यहाँ पर हटा हुआ है, काफ़ी सारी समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से खिड़कियों के नीचे पेंट झड़ा हुआ है और सफ़ेदी हट गई है और प्लास्टर साफ दिख रहा है, और इतना समय भी नहीं हुआ इस सोसाइटी को बने हुए और पूरी तरह से सीलन ने कब्जा कर लिया है इसके ऊपर। हम यहाँ पर एक सोसाइटी के अंदर के एक फ्लैट में हैं, जहाँ पर हम मैम से जानेंगे कि किस तरह की अंदर अंदरूनी प्रॉब्लम है वॉशरूम में, जिस तरह की तो क्या प्रॉब्लम है। ये हमारे यहाँ बाथरूम में हर टाइम सीलन रहती है, ऊपर वालों से जो ऊपर हमारे रह रहे हैं किराएदार हैं उनसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि अपने बाथरूम का वो चेक करवा लीजिए, वो करवाते हैं थोड़ी देर दिन सीलन ठीक होती है फिर से दोबारा हो जाती है। ये हम 2019 में शिफ्ट हुए थे तब से सीलन परमानेंट ऐसे ही है, और कई बार हम जो बिल्डर है उसको भी बोल चुके हैं, वो कहता है अब पोजेशन हो चुका है, अब आपको अपने आप देखना है कैसे करना है क्या करवाना है। मतलब ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है, हमेशा रहती है, ये झड़ती रहती है, हम साफ करते रहते हैं, दिवाली पे इसी पे वाइट वॉश करवा दिया था फिर दोबारा हो गई है। यही सीलन मेरे किचन तक है और पीछे वाली बालकनी में भी जाती है, तो पूरा पीछे वाली बालकनी भी पूरी झड़ी पड़ी है ऐसे ही। तो जिस तरह से देखिए कि हर घर के अंदर एक सीलन की एक समस्या है, कुछ के बाथरूम के अंदर, और ये इनका मानना है कि जब से ये फ्लैट इनको हैंड ओवर किया गया था तब से ही इस तरह की सीलन की समस्याएं लगातार हुई पड़ी हैं। और ऐसे सर 300-200 फ्लैट हैं ऐसे जिसमें सब में सीलन की प्रॉब्लम है, कोई ऐसे घर नहीं जिसमें सीलन की प्रॉब्लम नहीं है। सीलन तो बहुत बहुत घरों में है, सारे मतलब जितने भी 200 फ्लैट अभी हैंड ओवर से हैं, सर भी बताएंगे सर के घर में भी सीलन आ रही है। मैं ओ ब्लॉक से 4 नंबर मेरा फ्लैट है ग्राउंड फ्लोर पर, उसमें मैंने खुद ही अपने पैसे से लगा करके पेंटिंग कराई है, लेकिन क्वालिटी ख़राब होने की वजह से, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी ख़राब है कि उसकी वजह से चारों नीचे पूरी दीवारों में सीलन आ गई है और पेंट सारा नीचे गिर गया है। अब इतनी प्रॉब्लम है कि क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इतनी ख़राब है कि अब हमें खुद फिर पैसा लगाना पड़ेगा उसमें, और उससे बड़ा हम परेशान हैं। अब क्या किया जाए, कुछ इसके लिए कार्रवाई की जाए ताकि उसका परमानेंट कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो जिस तरह से हम देख सकते हैं कि किस कदर की यहाँ पर सीलन है कि पूरा का पूरा पेंट पूरी की पूरी सफ़ेदी झड़ती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। और ये बाथरूम के अंदर भी सीलन है और इस साइड भी, मतलब कि दीवारें पूरी तरह से सीली हुई हैं जिनकी समस्या से लोग ग्रस्त हैं, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि हर एक मकान में जो कि सीलन है। और यहाँ पर आप खुद लाइव देख सकते हैं कि किस तरह से दीवारें यहाँ पर दीवारों का क्या हाल हुआ पड़ा है। और अभी काफ़ी पुराना मकान नहीं है ये, काफ़ी टाइम नहीं हुआ इस मकान को, लेकिन अभी से सीलन की इतनी समस्याएँ बिल्कुल असहनीय दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं एक और फ्लैट के अंदर जहाँ पे आप सीलिंग की हालत देख सकते हैं। तो सर क्या है, मतलब ये अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है, इसमें थोड़ा सा भी सीमेंट नहीं है, आप कहीं भी देखिए सिर्फ रेत रेत है। सीलन की वजह से पूरी रेत निकल जाती है और चट्टान से निकल रहे हैं, बताओ घरों में लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं इस टाइम पर। आगे भी है सर, रूम में दिखाऊँगा मैं आपको। तो ये पूरी दीवारें यहाँ पे सीली हुई हैं। आप अगर बाथरूम का हाल भी देखें तो बाथरूम में किस तरह से पूरी सफ़ेदी झड़ गई है और यहाँ पर सीधा प्लास्टर साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो यह साबित होता है कि किस कदर की सीलन यहाँ पर, मतलब पूरे किसी एक दो फ्लैट की कहानी नहीं है, पूरी के पूरे अपार्टमेंट में पूरी तरह से सीलन आई पड़ी है। यानी कि देखा जाए तो प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया ये पूरा इनक्लेव रहा है, जिस तरह से इसकी सुविधाएं हैं और पूरी तरह से मकान सील गए हैं। आप दरवाजे भी देखें तो किस कदर दरवाजे भी पानी से गलकर टूट चुके हैं। तो जिस तरह से देखा जाए कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंदर आता है ये इलाका, तो यहाँ पर एक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण यहाँ पे डेवलपमेंट करता है और दूसरे यहाँ पे प्राइवेट प्राधिकरण से यहाँ डेवलप करते हैं। तो अगर ग्रेटर नोएडा का प्राधिकरण ही यहाँ की सोसाइटियों को अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा, स्थानीय सुविधा नहीं पहुँचा पाएगा, तो क्या लोग भरोसा करेंगे, और लोग तो प्राइवेट की ओर ही जाएंगे। तो हमारा सरकार से या लोगों से यही निवेदन है, प्राधिकरण से यही निवेदन है कि इन लोगों की स्थानीय समस्याएं, जो भी जो इनकी ज़रूरतें हैं उनको पार पाके लोगों की समस्याओं को सुलझाया जाए और ये आवाज़ जनता द्वारा सरकार तक या प्राधिकरण तक पहुंचाई जाए।